कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश, विधान, अन्य, मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। लवाला भरजा, बस अब जगह नहीं, बस अब जगह नहीं। बोल नहीं भाई साहब, एक और खाइए ना। नहीं नहीं अब जगह, अरे भाई साहब एक और लीजिए, आज मेरा बर्थडे, एक और लीजिए। नहीं 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 लेना भाई, अरे खा ले, तेरे बाप ने नहीं खिलाया तुझे ऐसा। क्या बोलते, खा ले, बाप ने तेरे ऐसा नहीं खिलाया होगा जितना मैं प्यार से खिला रहा हूँ, फिर खाएगा क्या वो बताओ। एक दिन सुनाया था मैंने, एक दिन भाई साहब ने बड़े प्यार से दावा दी, पूरे समाज को इन्वाइट किया, समाज को बुलाया, बहुत प्यारा भोजन दिया, बहुत सुगंधित टेस्टी मधुर भोजन दिया। और जब भोजन खत्म हुआ, हाँ जोड़े भाइयों और बहनों, माताओं, आप अच्छा हुए आपने आया और यहाँ भोजन किया। अगर आप भोजन नहीं करते तो कुत्तों को फेंकना पड़ता। कुत्तों को फेंकने से अच्छा है कि अपने आदमी के मुंह में जाए। ले सब सत्यानाश, सारा गड़बड़ो उसने सारा एक कर दिया। याद क्यों नहीं रहता है? ये धर्म की अमृत की बरसात होती, याद क्यों नहीं रहती है? ये बातें टाइम पर भूल के जाते हो। कर्ण की कहानी आती है महाभारत के अंदर, क्या कहानी आती है? क्या कहानी थी कर्ण की? उसने धोखे से विद्या सीखी तो गुरु ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? तुझे श्राप देता हूं कि जब मौका आएगा तब तू ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्मास्त्र चलाना तू भूल जाएगा। तो हमको किस्मत ने, कर्मों ने श्राप दिया है, अभिशाप दिया है, जब मौका मिलेगा तुम क्षमा भूल जाओगे। जब मौका मिलेगा तुम, जब मौका रहेगा, जब जरूरत रहेगी तभी तुम क्षमा को भूल जाओगे। तुम फनक करके गुस्सा होकर पंडाल के बाहर चले जाओगे। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर लिया, तो मैं इज्जत नहीं क्या है सबके सामने? क्योंकि बात होती, कोई तरीका होता है क्या? अरे बोल नहीं था तो प्यार से बोल देते, जरूरत क्या आती है सबके सामने जलील करने की, मुझे भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं? जैसे वो कर्ण भूल गया था अपनी विद्याओं को, एन टाइम पे ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र काम में नहीं आया, क्योंकि श्राप मिल गया था। हे परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्म में हमको लाखों लाखों ने श्राप दिया, बद्दुआएं दी हैं, दुआ काम करे ना करे, बद्दुआ जरूर अपना काम करना शुरू करती है। और जब बद्दुआएं जब काम करती है तो वो क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, शांति, वात्सल्य, सहन शक्ति, क्या सहन शक्ति, सब कुछ खत्म, उसका दिवाला निकल जाता है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? जो कुछ बचपन से लेके आज तक हमने सीखा है, हे भगवान, वो ज्ञान टाइम पर मेरा साथ दे, मेरे काम में आए। ये प्रार्थना करता हूं मैं आपसे, ज्ञान तो बहुत सारा है, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं जानता हूं कई लोग तो इसमें ऐसे बैठे हैं, यहां पर कई लोग तो मैं देखता हूं बीच बीच में खुसर पुसर होती है, महिला की तरह पुरुष की तरफ खुद खुसर पुसर बीच बीच में। क्या मैं कुछ कहता हूं मुझे पहले से मालूम होता है, पहले से मालूम है उनको कि महाराज जी क्या बोलने वाले हैं। ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट, फोरकास्ट डिपार्टमेंट, भविष्यवाणी हो जाती है, क्या अब महाराज जी ऐसा बोलने वाले हैं, अब ये लाइन मुंह से निकलने वाले, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं। हैं, कई बार समाज में ऐसा होता नहीं होता है, महाराज जी आर में उठे, आर में उठने से पहले भविष्यवाणियां हो जाती है किसके यहां पे जाएंगे। अरे बाकी बात तो छोड़ो, ऐसे महान आचार्य, ऐसे विद्यासागर जी महाराज, उनके दर्शन करने गया था 2014 में, मैं चुल्लक था उस समय मुनि दीक्षा से पहले, तो एक जगह मेरा आहार हुआ खाली चौके में, आचार्य क्या मालूम कहां पड़ गए। मेरी इच्छा थी कि उनके चौके में जाऊं मैं, पर आहार में उठने से पहले मैं बोलना भूल गया शावकों को कि आचार्य के चौके तक मुझे ले चलना, मुझे मालूम इतना बड़ा गांव कहां जाऊं मैं, तो वो मैं एक खाली चौके में पड़क गया। मेरा आहार हुआ, और आहार जब मेरा हो रहा था मेरे कान में शब्द पड़े, जो धर्मात्मा लोग मुझे आहार दे रहे थे, जिस पवित्र आत्मा के घर में मेरा आहार हो रहा था, पवित्र आत्मा के मुझे शब्द निकले, हमको तो मालूम था आचासी वहीं जाएंगे, हमको तो पहले से मालूम था आचासी गांव में आए नहीं हमारे, उससे पहले से हमको मतलब आचासी तो उन्हीं के यहां पड़ेंगे, उन्हीं के आचासी का आहार होने वाला, बताओ बाप। मतलब ऐसे महापुरुष पर कीचड़ उछालने वाले होते हैं, ऐसे बड़े ऐसे महान तपस्वी से महान, उस पर लोग कीचड़ उछाल लेते हैं, तो बाकी की बात तो छोड़ दो। आप हो क्या चीज, आपकी विशास क्या, आपकी औकात क्या, बताओ बाप। दुनिया तो है,
दुनिया ऐसी ही रहने वाली है, बस हमें एक चीज सीखनी है। कौन सी चीज सीखनी है? बस नीलकंठ। क्या? नीलकंठ। नीलकंठ वो जहर तो मिलेगा, दुनिया तो जहर देगी, वो जहर दिल से नहीं लगाना। जैसे कहते हैं वैष्णव परंपरा, शंकर जी ने जहर पिया तो जहर यहां तक अटक करके रह गया, वो जहर दिल तक नहीं पहुंचा। उधर नीलकंठ नीला, वो जहर से उनका गला कैसा होगा, नीला हो गया। और वही गौमाता होती, वही गाय होती है। वैज्ञानिक लोगों ने प्रयोग किए, परीक्षण किए, गाय को जहर खिलाया गया, गाय को जहर खिला के गाय के दूध का परीक्षण किया गया, भैंस को जहर खिलाया तो भैंस के दूध का परीक्षण किया गया, भैंस को जहर खिलाया तो भैंस के दूध में जहर के कुछ कण आ गए, लेकिन गाय को जहर खिलाया तो गाय के दूध में जहर का इतना सा भी अंश, एक भी कण नहीं आया। और आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, जो गड्ढा खोदने वाले हैं, जो पत्थर तोड़ने वाले हैं, क्या जो पसीना बहाने वाले, जो खेतों में काम करने वाले हैं, सड़क बनाने वाले हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, उन मजदूर को ही भैंस का दूध दही घी हजम होता है, उसके अलावा कोई और भैंस का दूध दही घी खाएगा तो एन टाइम में स्वाहा। देखो ना, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, घुटने में दर्द, कितनी बीमारी हो रही है बताओ आप, क्यों हो रही है? भैंस का दूध, भैंस का पति कौन है? भैंसा है ना, बाड़ा तो उसका बेटा है, ये नहीं मालूम पति कौन बेटा कौन। धत्तेरे की क्या किया आपने इतने साल में शादी वादी करके, बिना शादी के हमको मालूम है कि वो उसका पति, वो उसका बेटा है। भैंस का पति कौन? भैंसा। भैंसा किसका वाहन है? यमराज का। भैंस अपने चाहने वाले को, जो भैंस के दूध की रबड़ी, मलाई, माला, मिठाई, घी, आने दो सब है, जो भैंस से प्यार करता है, भैंस अपने स्वामी के पास पहुंचाती है। और क्या, वो भैंस का स्वामी अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचा देता है। और जो गाय से प्यार करता है, गाय का स्वामी कौन? गाय का स्वामी कौन? हट, बेल तो नपुंसक होता है, वो स्वामी थोड़ी होता है, सांड। कौन बोला सांड? ये देखो, लगता करीब का रिश्ता है। नागौर में तो खूब सांड थे, कुछ नागौर की बेटी बहुयां बैठी हुई नागौर की, नागौर में बहुत सारे सांड थे। आचा से बोलते हैं, हर गली में 10-10 सांड है, और बिचक भी बार बार जाते हैं, भड़क भी। नागौर गलियों में सांड नहीं होते, सांड हर गली में होते हैं, बिचकने वाले, बहकने वाले, भड़कने वाले, बाद बात में उबल जाते, बाद बात में फैल जाते हैं। हम तो ये भागे, हम तो ये चले, ये पकड़ो हमारी फाइल, ये पकड़ो हमारा इस्तीफा। 100 बार बोलते पकड़ो हमारा इस्तीफा, कभी एक बार देते नहीं है। उनको मालूम है गीदड़ भपकी, गीदड़ क्या धमकी। एक महिला ने मुझे बताया, चित्तौड़ के अंदर पति बार बार बोलते थे, अग्रवाल महिला, नाम थोड़ा बोल, राजेंद्र जी अग्रवाल, उनकी वाइफ ने बताया, महाराज मेरे पति रोज बोलते थे, जरा खुश हो मैं दीक्षा ले लूंगा। एक दिन महाराज उन्होंने जैसी बोला मैं दीक्षा ले लूंगा, हमने पकड़ा हाथ, चलो महाराज पास अब भी दीक्षा लो, चलो मैं छोड़ के आती महाराज के, मैं छोड़ के आती मैं दीक्षा लेने के लिए आपको। महाराज उस दिन का दिन है और आज का दिन है, फिर कभी नहीं बोला कि मैं दीक्षा ले लूंगा। पतिदेव का बर्थडे, पति ने 16 श्रृंगार किए, पाउडर और वो क्या मालूम क्या क्या महिला लगाती, मुझे आइडिया भी नहीं, वो लिपस्टिक और गाल पे और यहाँ और वो पूरा उसने बिल्कुल, और फिर वो ऐसी जैसे दुल्हन जैसी बन गई। फिर पति से पूछती है, सुनते हो जी अब तो 35 की नहीं लगती ना, 35 की अब तो नहीं लगती ना, बोलते अभी तो नहीं लगती है, 10 साल पहले जरूर लगती थी, अभी तो 35 की तो नहीं लगती है। तो महिला कितनी बूढ़ी हो जाए, हमेशा उसकी उम्र 10 साल कम ही रहती है, सर्टिफिकेट में उसको और लिखा है, और रियल उम्र पूछो तो 10 साल कम ही होती है। तो मुझे नहीं मालूम महिला बनने से, मेकअप करने से उम्र कम होती कि नहीं होती है, महिला जवान बनती कि नहीं बनती है, लेकिन भगवान के मंदिर में आते हैं, ध्यान की गहराइयों में डूबते हैं, तो फिर मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब हम खुश होते, प्रसन्न होते, जब ध्यान में डूब जाते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ केमिकल्स निकलना शुरू होते हैं, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू होता है, क्या कि आदमी हमेशा जवान
बना रहता है, रिंकल्स नहीं आते हैं, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। आज भी 80 साल के दादाजी हैं इसी दिगंबर समाज अजमेर में, आज भी 80 साल के दादाजी लोग हैं। पिछले कई वर्षों से भगवान का पूजा अभिषेक करें, एक दिन छूटा नहीं, एक दिन नागा नहीं, एक दिन नागा नहीं हुआ, एक दिन छूटा नहीं। कैसी भयंकर बारिश आ रही तो भी वो अभिषेक करने आते हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है तो अभिषेक करने आते हैं, घर में खतरनाक झगड़ा हुआ तो भी अभिषेक करने आते हैं। अभिषेक करना कभी एक भी बार उनका छूटता नहीं है। जब ऐसी श्रद्धा होती है, जब इतना दिल होता है, जब इतनी मेहनत होती है, जब इतनी भक्ति सेवा भगवान की होती है, भगवान एक वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? जा बेटा हमेशा जवान बना रहे, तेरी भक्ति अमर हो जाए। भक्ति अमर नहीं होती, शुरुआत कहां से हुई? भक्ता अमर, शुरुआत कहां से हुई? भक्ता अमर, भक्ता अमर, भक्त अमर होता है। भक्त अकेला अमर नहीं होता है, उसका शरीर भी अमर हो जाता है, वो शरीर भी अमर हो जाता है, उसका आनंद भी अमर हो जाया करता है। इधर उदयपुर, उदयपुर के साइड नदी को बोलते नंदी, क्या बोलते हैं? अम की बिंदु लगाते नदी को नंदी बोलते हैं। गुजरात साइड चप्पल को चंपल बोलते, चंपल, चप्पल को चंपल बोलते हैं। लाडनू साइड, नागौर साइड फूफा नहीं बोलते, क्या बोलते? फुम्फा, क्या बोलते? फुम्फा जी, फुम्फा। क्या अम की बिंदु लगा देते हैं। तो अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है, हिंदी में शब्द है अकल, क्या शब्द है? अकल, अकल पे बिंदु, अंकल, अंकल और अकल दोनों की चीज है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंकल और अकल दोनों की चीज है, जैसे नदी और नंदी, जैसे चप्पल और चंपल, जैसे फूफा और फुम्फा, वैसे अकल और अंकल दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंकल बन जाओ तो अक्ल आ जानी चाहिए। अकल कैसे आती है? अकल कैसे आती है? आयन नहीं कलियन है, भूतकाल, भूतकाल में क्या हुआ था छोड़ो ना, दिमाग से निकालो ना उन चीजों को, अब तो बैठ जाओ, अब तो मुस्कुरा लो, अब तो गुनगुना लो। बताओ, जब भूख लगती है, जब भूख लगती है होटल की तरफ चले जाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं, और जब दुखी होते हैं भगवान के मंदिर में चले आते हैं, और जब मंदिर में चले आते हैं तो अपने आप को सारा दुख दर्द सारा गम भगवान की भक्ति में सब बह करके ड्रेन आउट, वॉश आउट हो जाता है। वो थोड़ा सा मैंने कहा था दो चार दिन पहले, वो थोड़ा सा बाथरूम और थर्ड क्लास का बाथरूम, उसमें आधे घंटे रह के जब बाहर निकलते कैसा फ्रेश ताजगी लेके बाहर निकलते हैं। बताओ, वो छोटा सा कमरा, छोटा सा बाथरूम, उसकी पांच प्रतिष्ठा हुई क्या? उस बाथरूम का पंचकल्याणक हुआ का? जवाब दीजिए मुझे आप। उस बाथरूम को किसी आचार्य ने सूर्य मंत्र दिया क्या? बोलिए। उस बाथरूम जब बना तो उसके इनॉग्रेशन में राष्ट्रपति आया था क्या? प्रधानमंत्री आया था क्या? बोलिए। उस बाथरूम में पहली बार घुसने के लिए किसने फीता काटा था क्या? कोई मुहूर्त निकाला था क्या? कोई फंक्शन, कोई पार्टी दी थी क्या कि आज नया बाथरूम बनाया है, पहली बार बाथरूम प्रवेश, पंडित जी मुहूर्त निकालिए, समाज को भोजन कराऊंगा मैं, कभी ऐसा हुआ था क्या? मंदिर में सब कुछ हुआ था, बताइए। उस बाथरूम को, बाथरूम प्रवेश नहीं हुआ, बाथरूम का मुहूर्त नहीं हुआ, बाथरूम की प्रतिष्ठा नहीं हुई पंचकल्याण के बावजूद भी। और जब वहां से बाहर निकलते कैसे ताजगी, कैसी, क्या हल्कापन शरीर के भीतर होता है। तो मंदिर आध्यात्मिक बाथरूम, त्रणुसाग जी महाराज कहते हैं मंदिर आध्यात्मिक बाथरूम है। यहां से जब बाहर निकलो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। मिलावट करना बंद करो, आप मिलावट करना बंद करो। ये इंसान है तो बहुत अच्छा, क्या ये इंसान है तो बहुत अच्छा, लेकिन, अरे लेकिन क्या, लेकिन बोल, लेकिन बोलने का नहीं, अच्छा है बात खत्म करो ना, लेकिन बोलकर सब गुड़गोबर सब एक कर दिया। हमारे बच्चों को, हमको बचपन से मिलावट करना सिखाया जाता है। ये बनी इतनी मिलावट क्यों करते हैं? ये बनी दुकान में इतनी मिलावट क्यों करते हैं? हमको बचपन से मिलावट करना सिखाया जाता, कैसा? जलम निरपामति स्वाहा, उसी कटोरी में चंदनम निरपामति स्वाहा। बताओ आप, जब पूजा करते हैं तो पूजा में खोता क्या मिलावट के अलावा? क्या अर्घ चढ़ाते हैं? वो तो बड़ी भारी मिलावट, जल है, चंदन है, और ये है, और वो जो है, जो कुछ भी है वो सब का सब मिला लिया भाई अर्घ। मिलावट, अर्घ मतलब क्या? ये मिलावटी माल है। अर्घ में मिलावट हो कि नहीं हो, लेकिन मन में मिलावट नहीं होनी चाहिए। भगवान मैं आपका हूं, मीन्स मैं हूं आपका,
अब इसमें किंतु परंतु लेकिन मगर तगर कुछ नहीं। महाराज जी मैं बहुत चाहता हूं भक्तामर जी को, लेकिन लेकिन क्या मैं आ नहीं पाता हूं प्रवचन में। क्यों नहीं आ पाता हूं? क्योंकि नाश्ता नहीं मिलता वहां पर। हाँ, कोई चाय को नहीं पूछता है? अरे पानी की केन तक कैंपर तक नहीं रखा होता है प्रवचन के बाहर, तो मैं क्यों आऊं? मैं कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। एक दिन ऐसी दुर्गति होगी, ऐसे लोग ऐसी दुर्गति होगी नरक में जाओगे, लाखों लाखों सालों तक पानी की बूंद नहीं मिलने वाली है, अन्न का दाना नहीं मिलने वाला है लाखों लाखों साल तक। कभी तो ऐसा होना चाहिए कि ना भोजन है ना नाश्ता, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई माला नहीं दे रहा है, कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा, भले सुनते सुनते सो जाऊं लेकिन सोने के बाद भी सुनूंगा मैं, अली मर जाऊं लेकिन भूत बन के सुनूंगा मैं। कभी कोई ऐसा होता नहीं होता? पंखा अपने आप चलने लगता है, एक दो पंखुड़ी हिल जाती है पंखे की, होता नहीं होता ऐसा? कि वो दो पंखुड़ी क्यों हिल गई? वो जो वहां बाहर बैठे थे, कहां बाहर? मंदिर के बाहर वो लगी ना, वो क्या बोलते उसको, बेंच, काई की बेंच, सीमेंट की बेंच लगी ना, है ना, बेंच लग, सीमेंट की बेंच, उस सीमेंट की बेंच पे बैठे थे, इसकी उसकी तेरी मेरी कर रहे थे, कर्म का बंद हुआ, अब मर करके भूत बन गए, सीमेंट की बेंच पे बैठे गप्पे मार रहे थे, अंदर आने की इच्छा नहीं हुई इनकी कि प्रवचन सुने, कि हार देख ले, कि वैयावती कर ले, वो मंदिर के बाहर बेंच पर टेबल पर बैठे थे, किस्मत ने ऐसा पलटा खाया, किस्मत मारी फूंक, जिस किस्मत ने फूंक मारी और बेंच से उठ के सीधा पेड़ के ऊपर कबूतर बन के बैठा हुआ है अब। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं सही बात बोल रहा हूं। हाँ। नौकर जोर से रो रहा था, मालिक ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है? नौकर बोलता है, हुजूर मालकिन ने मुझे आज मारा है। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।